अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट और ऑल सॉलिड्स और सेमी सॉलिड वेस्ट आर अराइजिंग ड्यू टू ह्यूमन और एनिमल एक्टिविटीज। तो ये ह्यूमन या एनिमल एक्टिविटीज की वजह से सॉलिड वेस्टेस जो है ये जनरेट होते हैं, ये अराइज होते हैं। नाउ वी विल सी दीज सॉलिड वेस्ट हाउ दे आर मैनेज्ड इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। अगर हम देखेंगे पिछले 20-30 सालों में हम देखते हैं जो सॉलिड वेस्ट है ये बहुत ज्यादा जनरेट हो गए हैं। देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सॉलिड वेस्ट इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। क्यों ज्यादा जनरेट हो गए हैं ये सॉलिड वेस्ट्स? अगर हम 20-30 इयर्स में देखते हैं कि सॉलिड वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट हो गए, इसकी क्या वजह है? इट इज बिकॉज ऑफ द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, इसी वजह से सॉलिड वेस्ट भी ज्यादा जनरेट हो रहे हैं। ये क्वांटिटी जो सॉलिड वेस्ट की बढ़ रही है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, तो क्वांटिटी जो सॉलिड वेस्ट की है ये डिपेंड करता है लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पॉपुलेशन। लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर हम देखते हैं लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, दैट मीन्स वो वहां पर जो वेस्ट्स जनरेट हो रहे हैं दे आर पुट इन द और दे आर डिस्पोज इन अ प्रॉपर मैनर, वहां पर वो प्रॉपरली वो डिस्पोज करेंगे वेस्टेस को। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि जो सॉलिड वेस्टेस है वो रबिश, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट है ना, वो रबिश और गार्बेज है। अगर लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है वो रबिश को, रबिश में कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल आएंगे तो वहां पर कंबस्टेबल वेस्टेस को अलग बिन्स में डालेंगे, नॉन कंबस्टेबल को अलग बिन्स में डालेंगे और गार्बेज को अलग भी, गार्बेज हेयर मीन्स ऑर्गेनिक वेस्ट, वो अलग बिन्स में डालेंगे। दैट मीन्स वहां पर प्रॉपरली डिस्पोज किया जाएगा वेस्टेस को अलग अलग बिन्स में डाल के, फिर उसके बाद हम कंबस्टेबल वेस्ट को कंबस्ट करेंगे, नॉन कंबस्टेबल वेस्ट को डंप करेंगे और जो गार्बेज है ऑर्गेनिक वेस्ट को उसको एज ए मैनवर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर प्रॉपरली हमने डिस्पोज किया है सॉलिड वेस्ट को तो जो क्वांटिटी है वहां पर सॉलिड वेस्ट की वो कम हो गई, देयर इज लेस जिस सॉलिड वेस्ट क्वांटिटी, जो उसकी क्वांटिटी कम हो गई। तो हम देखते हैं कि अगर स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है तो अगर जो सॉलिड वेस्ट वहां पर जनरेट हो गए हैं दे आर पुट इन द नेकेड एरियाज, वहां पर वो नेकेड एरिया में वो डिस्पोज करेंगे वो सॉलिड वेस्ट को। जैसे हम देखते हैं अक्सर विलेज में यही होता है, वहां पर प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हैं, प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते हैं वेस्टर्स को, वहां पर वो नेकेड एरियाज में ऐसे ही डाल देते हैं, डिस्पोज करते हैं नेकेड एरियाज में, जिसकी वजह से उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है एनिमल्स पे, ह्यूमंस पे या हमारे एनवायरमेंट पे। तो ये एक वजह है इस सॉलिड वेस्ट का जो इंक्रीज हो रहा है इसकी क्वांटिटी, ये भी एक वजह है। नाउ अब हम देखते हैं कि इसकी वजह से जो इम्प्रॉपर डिस्पोज करते हैं सॉलिड वेस्ट को, इसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट पे, है ना, हमारे एनिमल्स पे, ह्यूमंस पे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। दैट इज वाई देयर इज नीड और वी कैन से अर्जेंसी टू मैनेज दी सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, इसलिए हमारे लिए जरूरी बन गया है कि हम सॉलिड वेस्ट को
मैनेज करें, अच्छे से मैनेज करें, ताकि जो इसका एडवर्स इफेक्ट है हमारे एनवायरनमेंट पे ना पड़े, हमारे एनिमल्स पे, हमारे ह्यूमंस पे ना पड़े। वी कैन डिफाइन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ Application of techniques that will ensure the orderly execution of the functions of functions of first one collection, then transport and disposal. Disposal of solid wastes. यहाँ पर हम देखेंगे solid waste management को हमने define किया कि it is the application of techniques, है ना, हमें ऐसे techniques अप्लाई करने हैं जिससे हम अच्छे से जो कलेक्शन होगी सॉलिड वेस्ट की, जिससे अच्छे से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इन सॉलिड वेस्ट का, और हम इनको बाद में डिस्पोज कर सकते हैं, जो इनका फाइनल डिस्पोजल साइट होगा वहां पर हम अच्छे से इनको इन द प्रॉपर वे इनको डिस्पोज कर सकते हैं इन सॉलिड। ऐसे हमें टेक्निक से अप्लाई करने हैं, दैट इज द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नाउ द इम्प्रॉपर, अगर इम्प्रॉपरली हम वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, improper or we can say the indiscriminate disposal of waste, solid waste causes the adverse effects, causes the adverse effects, है ना, अगर improperly हमने waste को dispose किया तो वहां पर उसका adverse effect पड़ेगा on environment and human health. So improper dispose करने से जो solid waste improperly हमने dispose किया तो उसका adverse effect पड़ेगा environment पे और human health पे। Now the main objectives. So main objective क्या है इस solid waste management का? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का यही है कि हमें मिनिमाइज, हमें कम करने की, ताकि इसका जो एडवर्स इफेक्ट है या एनवायरनमेंट पे या ह्यूमन हेल्थ पे वो कम हो जाए, क्योंकि ये नहीं है कि हम जिससे पहले हमारे लिए मुश्किल बन जाए कि हम इनको कंट्रोल कर सकें या इसका जो इफेक्ट है उसको कम कर सकें, इसके बाद हमारे लिए मुश्किल बन जाएगा। तो ये बेहतर है कि हम पहले से स्टेप लें कि इसका जो एडवर्स इफेक्ट है उनको हम मिनिमाइज करें। ये मेन ऑब्जेक्टिव रहता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। नाउ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉलिड वेस्ट management includes first one collection. अगर हमें solid waste management करना है तो उसके लिए पहले हमें क्या करना है, हमें पहले करना है collection, ठीक है। अब हमें collection करना है, collection here means collection of solid waste,
कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट. सो दिस कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट इट रेफर्स टू द गैदरिंग और कलेक्शन. इट रेफर्स टू गैदरिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम प्लेसेस सच एज. यहाँ पर हमें कलेक्ट करना है सॉलिड वेस्ट को, है ना, डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस हम ये सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रेजिडेंशियल एरिया से, जहाँ जहाँ पर हम देखते हैं कि सॉलिड वेस्ट ऐसे हम डिस्पोज करते हैं, वहाँ से हमें इसको कलेक्ट करना है रेजिडेंशियल एरियाज से. इसी तरह हम देखते हैं दिस कमर्शियल एरियाज इंडस्ट्रियल एरियाज एंड अदर पब्लिक प्लेसेस, जो डिफरेंट पब्लिक प्लेसेस है. फॉर एग्जाम्पल पार्क्स है, प्ले ग्राउंड्स. इस तरह हम देखते हैं बीचेस एक्स्ट्रा. तो वहां से हम ये जो सॉलिड वेस्ट है उनको कलेक्ट कर सकते हैं. अब देखना है ये जो कलेक्शन है, जो हमने सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट किया फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस, है ना, इट देयर इज टू टाइप्स ऑफ कलेक्शन और वी कैन से टू मेथड्स. देयर आर टू मेथड्स ऑफ कलेक्शन. हम दो तरीकों से कलेक्शन करते हैं इन सॉलिड वेस्ट का. फर्स्ट इज द होल्ड कंटेनर सिस्टम एंड सेकेंड वन इज स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम. होल्ड कंटेनर सिस्टम हियर मीन्स यहाँ पर भी कलेक्ट करते हैं सॉलिड वेस्ट को, लेकिन हम देखते हैं कि जो म्युनिसिपल एरियाज होते हैं, जैसे हम टाउन्स देखते हैं, सिटीज देखते हैं, वहाँ पर कंटेनर सेट किए जाते हैं एट द डिस्पोजल साइट. जहाँ पर सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करते हैं वहाँ पर कंटेनर सेट करते हैं. तो होल्ड कंटेनर सिस्टम में कि उसी कंटेनर को जब वो फुल होता है विद दिस सॉलिड वेस्ट, वो भर जाता है सॉलिड वेस्ट से, तो वहाँ पर उसी कंटेनर को कनेक्ट करके, चाहे ट्रक हो या कोई और व्हीकल हो, उसके साथ कनेक्ट करके फिर वो लिया जाता है एट द फाइनल डिस्पोजल साइट. जो जहाँ पर फाइनली उसको डिस्पोज करना होता है वेस्ट, उसको वहाँ पर उसको लिया जाता है और वहाँ पर ही उसको खाली करके फिर वापस अपने इस जो उसको जो पहली साइट थी जहाँ पर कंटेनर सेट किया था, वहाँ पर उसको वापस करके फिर रख दिया जाता है. तो वहाँ पर हम देखते हैं हॉल्ड कंटेनर सिस्टम में कि कलेक्ट करते हैं सॉलिड वेस्ट के लिए कि कंटेनर को ही साथ लेते हैं और वहाँ पर फाइनल डिस्पोजल साइट पे छोड़ते हैं और वहाँ से उसको खाली करके वापस रख देते हैं. स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम में कि जहाँ पर कंटेनर सेट किया जाता है वहाँ से वो सॉलिड वेस्ट को वहीं पर निकालते हैं, कंटेनर वहीं पर रखते हैं, लेकिन उसमें से जो सॉलिड वेस्ट प्रेजेंट होता है उसको निकाल के उसको खाली करके वही सॉलिड वेस्ट को थ्रू द ट्रक्स और द अदर व्हीकल उसको फाइनल डिस्पोजल साइट पे लिया जाता है उस वेस्ट को. तो ये कलेक्शन है यहाँ पर कि हॉल्ड और स्टेशनरी में ये डिफरेंस है कि यहाँ से कंटेनर को हॉल्ड कंटेनर सिस्टम में कंटेनर को ही लिया जाता है अपने साथ, और स्टेशनरी में कंटेनर सिस्टम में कलेक्शन होता है सॉलिड वेस्ट का वहीं पर, और कंटेनर को वहीं पर रखते हैं, खाली उसको सॉलिड वेस्ट से निकाल के ले जाते हैं उसको फाइनल डिस्पोजल साइट पे. तो ये हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का. देन द सेकंड प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सॉलिड वेस्ट इज ट्रांसपोर्ट. अब कलेक्शन हो गया, कलेक्ट किया सॉलिड वेस्ट का, अब हम देखना है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस हमने कलेक्शन की सॉलिड वेस्ट की, अब इनको ट्रांसपोर्ट करने हैं. दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट इट रेफर्स टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट बाय ट्रक्स और अदर व्हीकल्स
कलेक्शन पॉइंट्स और कम्युनिटी बिन्स टू डिस्पोजल साइट। ट्रांसपोर्टेशन जो होती है डिस्पोजल साइट, जो ट्रांसपोर्टेशन में ये हो रहा है कि जो हमने कलेक्ट किया इस सॉलिड वेस्ट को, ठीक है, फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस, फ्रॉम द कम्युनिटी बिन्स या जो कलेक्शन पॉइंट्स थे, डिफरेंट कलेक्शन पॉइंट्स, वहां से हमने कलेक्ट करके अब इनको ट्रांसपोर्ट किया थ्रू द व्हीकल्स, थ्रू द ट्रक्स, तो हमने फाइनली इसको डिस्पोजल साइट, जो इसका फाइनली डिस्पोजल साइट है, वहां पर इसको ट्रांसपोर्ट किया। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है सॉलिड वेस्ट का, दैट इज डिस्पोजल, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। ट्रांसपोर्ट किया हमने थ्रू ट्रक्स, थ्रू व्हीकल्स हमने ट्रांसपोर्ट किया अब सॉलिड वेस्ट को, अब हमें फाइनली डिस्पोज करना है इस सॉलिड वेस्ट को। दिस रेफर्स टू प्लेसिंग ऑफ, दिस रेफर्स टू द प्लेसिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑन इट्स फाइनल अल्टीमेट resting place। Disposal of solid waste here means के यहाँ पर हमें अब dispose करना है, transport किया उसके बाद हमें dispose करना है, जो इसका final disposal site है वहाँ पर इसको छोड़ना है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब कौन कौन से methods है कि अब finally यहाँ पर dispose किया, अब यहाँ से हमें देखना है disposal site से अब कौन कौन से ऐसे methods है जिससे हम इस solid waste को manage कर सकते हैं, जिससे हम इसको कम कर सकते हैं या इसका जो एडवर्स इफेक्ट है उसको कम कर सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे अब मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। इट इज अबाउट दिस ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। दिस फॉर टुडे।